हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 24। बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन राइट साइक्लोहेक्सेन KCl मिथेनॉल एंड एसिटोनिट्राइल सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्वेश्चन कह रहा हमसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की बेसिस पे आपको जो है इन दिए गए कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी जो है एन ऑक्टेन के अंदर बतानी है। अब ये जो नॉर्मल ऑक्टेन है ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया गया है जो कि नॉन पोलर है, और इसके अंदर जो है हमने सॉल्युबिलिटी बतानी है साइक्लोहेक्सेन की इंडिविजुअली, KCl की, पोटेशियम क्लोराइड का, मिथेनॉल का और एसिटोनिट्राइल का इंडिविजुअली हमने जो है ये सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बताना है। देखिए सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, राइट। क्या होता है लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के अंदर अच्छे से डिजोल्व होगा और जो पोलर होगा पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, राइट। जो पोलर और नॉन पोलर की बात आएगी वहाँ इंट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी, राइट। तो देखिए हम देखते हैं जो साइक्लोहेक्सेन है राइट C6H12 जो होता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है राइट इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन का, और जो नॉर्मल ऑक्टेन है हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या है नॉन पोलर हैं। जब ये नॉन पोलर हैं तो लाइक डिजोल्व लाइक में क्या आ जाएगा दे कम्प्लीटली मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन, ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है अच्छी है, राइट। अगर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन पर देखें जो KCl दिया हुआ है तो ये क्या है एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इट विल कैरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये आयनिक कंपाउंड है मीन्स KCl जो है क्या है ये पोलर है, और जो नॉर्मल ऑक्टेन हमारे पास एज अ सॉल्वेंट है ये क्या है नॉन पोलर है, इसीलिए KCl जो है ये डिजोल्व नहीं होगा एट ऑल इन नॉर्मल ऑक्टेन, राइट। अब हमारे पास जो मिथेनॉल है और एसिटोनिट्राइल है दोनों क्या है स्लाइट पोलर हैं, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर स्लाइट पोलर, बट एसिटोनिट्राइल जो है ये लेस पोलर है किससे मिथेनॉल से, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, ये ज़्यादा पोलैरिटी शो करेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए अब हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन जो है ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर जो लेस पोलर होगा वो थोड़ा डिजोल्व हो जाएगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा पोलर होगा, तो ये जो है लेस पोलर होगा एसिटोनिट्राइल, इसलिए ये ज़्यादा डिजोल्व होगा नॉर्मल ऑक्टेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल, राइट। अब देखिए जो ऑर्डर रहेगा सॉल्युबिलिटी का, राइट, क्योंकि नॉर्मल ऑक्टेन जो है वो पोलर है तो साइक्लोहेक्सेन पोलर, इसलिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये रहेगा और सबसे कम KCl रहेगा, राइट। और इसमें हमने कंपेयर किया तो ये लेस पोलर है एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा ये कम रहेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर जो है हमारे पास ये रहेगा वाटर के अंदर इन दिए गए सॉल्यूट्स का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 है, 25 क्वेश्चन क्या है कि अमंगेस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे जो दिए गए कंपाउंड्स हैं आइडेंटिफाई करें कि कौन इनसॉल्युबल होगा, कौन पार्शली सॉल्युबल होगा और कौन हाईली सॉल्युबल होगा वाटर में, राइट। पार्शली मतलब जो थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल मतलब जो है ही नहीं सॉल्युबल उसके अंदर, राइट। तो जैसे कंपाउंड दिया है फिनॉल, टॉलिन, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल, तो वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे पहला कंपाउंड फिनॉल है, अब फिनॉल में ये OH ग्रुप क्या है ये पोलर है, लेकिन ये जो रिंग है फिनाइल का ये नॉन पोलर होता है, राइट, और ये बिग ग्रुप है, तो इस फिनॉल के अंदर पोलर OH ग्रुप है तो ये तो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा HOH, राइट, वाटर के साथ जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन जो ये नॉन पोलर है तो ये इस बॉन्डिंग में जो है अच्छे से बॉन्डिंग होने नहीं देगा यहाँ पर OH की वाटर के साथ, जिसके कारण जो है फिनॉल वाटर में पार्शली सॉल्युबल रहेगा, राइट। इसके बाद अगर हम देखें टॉलिन की बात अगर हम करें, टॉलिन क्या होता है बेंजीन के साथ में किसी भी एक पोजीशन पे CH3 ग्रुप, अब ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, राइट, तो यहाँ पे कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, इसलिए टॉलिन क्या रहेगा इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड देखिए इसके अंदर क्या है, जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं HC डबल बॉन्ड में OOH, इसके अंदर OH ग्रुप क्या है पोलर ग्रुप है, ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, और ये कोई बड़ा ग्रुप नहीं है जो हिंड्रेंस काज करेगा यहाँ पे, ये स्मॉलर ग्रुप है तो ये अच्छे से जो है बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ, इसलिए फॉर्मिक एसिड क्या रहेगा
हाईली सॉल्युबल रहेगा वाटर में, राइट। इथाइलीन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर है CH2 के साथ में OH, CH2 के साथ में OH, दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप पोलर हैं, तो ये अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये भी हाईली सॉल्युबल रहेगा वाटर में। अब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है एक नॉन पोलर सॉल्यूट की तरह वर्क करेगा यहाँ पे, और वाटर जो है पोलर है, तो इसलिए जो क्लोरोफॉर्म है ये भी इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, राइट। अब हम पेंटेनॉल की बात करते हैं, C5H11OH। ये जो OH ग्रुप है ये पोलर है, लेकिन जो फिनाइल ग्रुप बच रहा है हमारे पास C5H11, ये क्या है, नॉन पोलर है और बहुत ही बल्की ग्रुप है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस काज कर सकता है, तो इसके कारण क्या रहेगा, पेंटेनॉल जो है वाटर में पार्शली सॉल्युबल रहेगा, राइट। अब हम 32 क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की डिप्रेशन, वाटर के लिए हमने क्या है, डिप्रेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट में कैलकुलेट करना है, जब आप 10 ग्राम जो है, ये हमारे पास एक आर्गनिक कंपाउंड दिया है CH3, CH2, CHCl, CuH, जब इसको आप जो है ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो डिस्टिलेशन कांस्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1.4 × 10⁻³, केएफ का वैल्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन में 1.86 × kg/mol, और मोलर मास जो इस आर्गनिक कंपाउंड का दिए के रखा है दैट इज़ 122.5 ग्राम/mol। तो ये जो क्या है, ये एक आर्गनिक एसिड है, और आर्गनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, आपको कैलकुलेट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है, और आपको यहाँ पे देखिए के ए का वैल्यू दे के रखा है, राइट। और ये क्या है, एक वीक एसिड है, राइट। तो वीक एसिड जो है वो लिटिल बिट जो है डिसोशिएट होगा वाटर में, जब भी डिसोशिएशन का कंसेप्ट आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास की बात भी आ जाएगी, इसलिए इक्वेशन क्या रहेगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर केएफ इनटू में एम, राइट। तो पहले हम इस आर्गनिक कंपाउंड का डिसोशिएशन शो करते हैं कि जब टाइम ज़ीरो है तो ये 1 मोल है, ये क्या है, ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, अभी ये नहीं बना है, जब टाइम जो है आगे बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, तो ये कितना डिसोशिएट हुआ, 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो गया, ये अल्फा फॉर्म होगा, ये अल्फा फॉर्म होगा। वेंट हाफ फैक्टर लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन जो होगा, बिफोर डिसोसिएशन जो हमने समझाया है, तो ये सॉल्व करके जो है हमारे पास 1+α जो के बराबर वेंट हाफ फैक्टर आ रहा है। अब हमको अल्फ़ा तो कैलकुलेट करना है, लेकिन अल्फ़ा कैलकुलेट करने से पहले हम मोलैलिटी के बारे में जो है फॉर्मूला लिखते हैं, जो यहाँ पे मोलैलिटी आ रहा है हमारे पास फॉर्मूले में, तो हम मोलैलिटी का रिलेशन लिखते हैं WB/mB 1000/WA जो है ग्राम्स में है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूट का मास जो है हमारे पास 10 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, राइट। देखिए ये 10 ग्राम यहाँ पे बोला था इसने कि जब आप 10 ग्राम जो है ये एसिड जो है ऐड करेंगे, राइट, तो और ये मोलर मास जो है दिया हुआ क्वेश्चन में 1000/mass of solvent 250 ग्राम जो है ये क्वेश्चन में गिवन है 250 ग्राम, राइट। देखिए कहा है सॉल्वेंट 250 ग्राम है, इसलिए ये वैल्यू आप जब यहाँ पुट करेंगे तो ओवरऑल जो है ये 40/ क्या आ जाएगा, 122.5 आ जाएगा कैंसिल होके, तो 0.326 जो है मोलैलिटी का वैल्यू आया, राइट। जब आपको मोलैलिटी का वैल्यू भी आ गया तो अब आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है √KA/C वीक एसिड्स के लिए और मोनोप्रोटिक एसिड के लिए, तो कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या लेना है, जो हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू आया वही आपने कंसंट्रेशन लेना है, क्योंकि ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, इसीलिए क्वेश्चन में अल्फ़ा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, KA का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4 × 10⁻³, और कंसंट्रेशन आपने जो है यहाँ कैलकुलेट करके लाया 0.326, राइट। तो ये यहाँ पर रखेंगे आप, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो शॉर्टकट तरीके से इसको आपने 1.4 × 10⁻³ रखा, इसको आपने 0.3 मान लिया, राइट। तो अब जो डेसिमल आपने नीचे लाया, ठीक है, तो इसका डेसिमल जब रिमूव करेंगे, इसका डेसिमल जब रिमूव करेंगे, सिंपली 14/3 बचेगा × 10⁻³ अंडर रूट में, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपने क्या कर लिया, यहाँ से एक डेसिमल जो है ये एक ज़ीरो पीछे लाया, इसको 1.4 कर लिया, ये 10⁻² रहा, राइट। तो 1.4/3, तो आप 10⁻² के जब आप रूट देखेंगे तो ये 10⁻¹ हो जाएगा, और 1.4 और 3 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका अंडर रूट देखेंगे 0.65 आएगा, राइट। तो 0.65 की मल्टीप्लाई 10⁻¹ से जब होगा तो अल्फा का वैल्यू 0.065 आपके पास आ जाएगा। अब आप जो है आई का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 1+α, 1+α का वैल्यू पुट कीजिए जो यहाँ पर लाया, और ये आई का वैल्यू जितना आ जाएगा 1.065 आ जाएगा। जब आपको आई का वैल्यू मिल गया तो डेल्टा टीएफ जो है I × KF × m, तो आपको आई का वैल्यू पता है, यहाँ पुट कीजिए, केएफ क्वेश्चन में गिवन है और मोलैलिटी का वैल्यू आपने लाया है, इसलिए आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, मोलैलिटी, वेंट हाफ फैक्टर, इसलिए आप यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व करके ला रहे हैं।
तब जाके आपका जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है फाइनली ये सॉल्व करके 0.65 डिग्री जो है आंसर आएगा, राइट। इजी क्वेश्चन है, एबनॉर्मल मोटर मासेस पे है ये। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जिसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 2.47 दिया है, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर जो है वाटर, राइट, सच दैट इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.75 एटीएम है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो मोलर मास जो CaCl2 का है वो 111 ग्राम पर मोल है, राइट। तो पाई इक्वल टू आई इंटू CRT, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन की बात हो रही है, राइट। ये साल्ट है तो ये डिसोसिएट होगा वाटर में, राइट, और वेंट ऑफ फैक्टर दे के रखा है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे मॉडिफाइड। तो आई इंटू कंसनट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल किसके, कैल्शियम क्लोराइड के, वॉल्यूम लीटर में, आर इंटू टी। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दे के रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl2 आपको फाइंड करने पड़ेंगे, आर का वैल्यू ये लेंगे आप यहाँ पे, ये 300, और ये वैल्यू जो है वॉल्यूम लीटर 2.5 दे के रखा हुआ है, राइट। क्योंकि जब ATM में होता है वैल्यू प्रेशर का तो आप जो है 0.0821 जो है ये वैल्यू लेते हैं आर का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कैल्शियम क्लोराइड के, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल जो है 0.03 कैसे आएगा आपके पास ये, राइट, गिवन मास बाई मोलर मास, राइट। तो आपके पास जो है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स मास कितना रहेगा और आपके पास मोलर मास कितना रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कैल्शियम क्लोराइड के हैं वो 0.3 हैं, 0.03 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो जब आप यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0.03 रखेंगे, राइट, नंबर ऑफ मोल जो कैल्शियम क्लोराइड के हैं वो हमारे पास 0.03, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये मास जो है यहाँ से मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है, तो मास आप कैसे फाइंड करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 3.33 ग्राम जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ना WB, तो जो हमारे पास वेट है, वेट अपन मोलर मास, और वो वैल्यू जो है 0.03, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप कहेंगे ये वैल्यू कहाँ से आया, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे या ओवरऑल जब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.03 आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आपको लिखा नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड करना है, आपको जो है मास अमाउंट फाइंड करना है, तो इसलिए आपने जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से लिखा, राइट, क्लियर हो गई बात। जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मास आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का 3.33 ग्राम जो है आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ये आंसर आएगा, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।